हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। आज हम लोग कंप्यूटर में से संबंधित शब्द संक्षेप देखेंगे। ये वैसे शब्द संक्षेप हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर आपका बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये प्रायः शब्द संक्षेप पूछे ही जाते हैं। और इनका इसलिए महत्व बन जाता है क्योंकि ये कुछ गिने चुने शब्द संक्षेप है जो कि बार बार रिपीट करके पूछे जाते ही हैं। जैसे सीपीयू के बारे में तो अब तक कितनी बार पूछा जा चुका है, सीडी के बारे में, कैड के बारे में ये अनेकों बार पूछा जा चुका है। तो इनको आप जितना जल्दी हो सके याद कर लीजिए, अच्छी तरह से एकदम मेमोराइज कर लीजिए, जिससे आपको जो अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी होने वाले हैं उनमें आप इनका आंसर कर पाए। तो आई स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर आप दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएंगे। और हर शब्द संक्षेप को अच्छी तरह से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे छूट जाए और वो एग्जामिनेशन में आ जाए, इसलिए हर वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी शब्द संक्षेप आपसे छूटे नहीं। और कोशिश करिए, अगर आप नोट डाउन करते हैं तो ठीक है, बुक है तो भी अच्छी बात है, और नहीं ना नोट डाउन करते हैं ना ही आपके पास बुक है तो आप हर वीडियो को दो बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका ALU। तो कंप्यूटर में ALU का मीन्स आपका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आपका A फॉर अरिथमेटिक हो गया, L फॉर लॉजिक एंड U फॉर यूनिट। नेक्स्ट देखिए ALGOL। ALGOL मीन्स एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। और देखिए एक मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ, कंप्यूटर रिलेटेड जो भी शब्द संक्षेप होते हैं उनके अगर लास्ट में L आता है तो इतना जरूर याद रखिए, जनरली जो 99% जिन एल जो शब्द संक्षेप हैं उनके लास्ट में अगर एल आता है और कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में, तो समझ जाइए कि ये एल लैंग्वेज रिलेटेड है। तो ALGOL मीन्स ALGOL आपका जो ALG हो गया ये आपका एल्गोरिथमिक हो गया, और एल फॉर लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट देखिए ASCII। ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड, आई फॉर इंफॉर्मेशन एंड आई फॉर इंटरचेंज। तो जनरली बीच में जो प्रीपोजिशन होते हैं वो कहीं भी शब्द संक्षेप में यूज नहीं किए जाते, इसलिए यहाँ पे फोर आपको नहीं ध्यान देना है। ए फॉर आपका अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड, आई फॉर इंफॉर्मेशन एंड आई फॉर इंटरचेंज। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इस तरह से याद कीजिए और दो बार तीन बार रिपीट कर लीजिए मन में कि आपको याद हो जाए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फिर से देखिए कैसे आपको याद करना है। ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड, I for information and I for interchange, फिर ASCII equal to American Standard Code for information interchange। इस तरह से दो बार तीन बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। बेसिक हो गया आपका बिगनेस ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो देखिए कैसे हो गया, B for beginners, A for all purpose, A for आपका all purpose दोनों हो जाएगा, S फॉर सिम्बॉलिक हो गया, I फॉर इंस्ट्रक्शन एंड C फॉर कोड। बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक। नेक्स्ट है BCD। BCD हो गया आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। तो B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड एंड D फॉर डेसिमल कोड। BCD इक्वल टू बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। फिर नेक्स्ट देखिए CPU। CPU हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, C फॉर सेंट्रल, V फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। नेक्स्ट है CAD, CAD, तो C फॉर CAD कंप्यूटर, A फॉर एडेड एंड D फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है COBOL। COBOL हो गया C फॉर कॉमन, CO कॉमन हो गया आपका, B हो गया आपका बिजनेस हो गया, O हो गया ओरिएंटेड एंड L फॉर लैंग्वेज। देखिए L फिर यहाँ लास्ट में आया और L का मतलब हो गया आपका वही लैंग्वेज। तो COBOL इक्वल टू कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ना नेक्स्ट CD। CD के बारे में बहुत बार पूछा जाएगा, जैसे कि मोस्ट कॉमन है आपका CPU, CD बहुत बार पूछा जाता है और प्रायः हर कुछ दिनों में किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है।
तो सी डी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर देखिए सी डॉट, सी फॉर सेंटर, और सेंटर फोर हो गया, डी एंड डी फोर आपका हो गया डेवलपमेंट, ओ ओप एंड आपका टेलीमेटिक्स। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इक्वल टू सी डॉट। नेक्स्ट है क्लास, क्लास हो गया सी फोर आपका कंप्यूटर, एल फॉर लिटरेसी, ए फॉर एन, एस फॉर स्टडीज एंड इन, इन आपका यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, एंड एस हो गया स्कूल। तो इनका यूज़, इनका जो आपका कैपिटल लेटर यूज़ नहीं हो रहा है, तो बाकी का कैपिटल लेटर यूज़ करते हुए आपको बनता है ये क्लास। तो जनरली इस टाइप के जो भी वर्ड, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जो इस टाइप के वर्ड जो कि आपका भले ही ये शब्द संक्षेप है बट इनसे एक नए वर्ड का निर्माण होता है, या फिर किसी ऐसे वर्ड इनके कॉम्बिनेशन से एक नया शब्द बनता है, तो आपका वो आपका सब एक्रोनिम कहलाता है। नया वर्ड बनने का मतलब कि जो शब्द संक्षेप को मिलाने के बाद भी वो एक नया शब्द बन जाता है, जो कि वो आपका जैसे कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, तो इससे हट के एक नया वर्ड है आपका ये क्लास। नया वर्ड ये नहीं कि कोई नए शब्द की उत्पत्ति हुई, में अलग शब्द बन जाता है अपने आप में, और जिसको एक बार में उच्चारण किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हो गया आपका कैड, तो कैड को एक बार में उच्चारण किया जा सकता है, उसी तरह आपका कोबोल है, कोबोल को एक बार में उच्चारण किया जा सकता है, क्लास को एक बार में उच्चारण किया जा सकता है। जो बेसिकली यूज में होते वर्ड्स उन्हीं का वो उन्हीं को एक्रोनिम कहते हैं। तो ये आपका हो गया जो आपका शब्द संक्षेप से के जो फर्स्ट लेटर को मिलाकर एक नया शब्द है, या फिर जिसका अलग अस्तित्व हो, ऐसा शब्द को एक्रोनिम बोला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है कोमल, कोमल भी आपका क्या है, एक्रोनिम हो गया एक तरह से, क्योंकि इसको एक बार में उच्चारण किया जा सकता है। तो कोमल, कोमल हो गया आपका सी ओ फॉर कॉमन, सी ओ आपका एम मिलाकर हो गया आपका कॉमन, ए फॉर एल्गोरिथमिक एंड एल फॉर लैंग्वेज। फिर देखिए यहाँ पे एल लास्ट में आ गया, तो ये लैंग्वेज है। तो कोमल हो गया आपका सी ओ एम इक्वल टू कॉमन, कॉमन एंड ए फॉर एरिथमेटिक एल्गोरिथमिक एंड एल फॉर लैंग्वेज। नेक्स्ट है डॉस, तो डॉस के बारे में आपने बहुत बार सुना है, एमएस वर्ड, एमएस डॉस, वही डॉस है ये। डॉस मीन्स होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डी फॉर डिस्क, ओ फॉर ऑपरेटिंग एंड एस फॉर सिस्टम। नेक्स्ट देखिए डीटीएस, तो ये डीटीएस क्या है, डेस्क टॉप सिस्टम, डी फॉर डेस्क, टी फॉर टॉप एंड एस फॉर सिस्टम, डेस्क टॉप सिस्टम। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बस एस लास्ट का एस और पी चेंज हो जा रहा है, तो बाकी दोनों वर्ड सेम है। डी टी एस और डी टी पी में डेस्कटॉप कॉमन है, और एस फॉर डी टी एस में आपका एस मीन्स सिस्टम हो गया, एंड पी डी टी पी में पी मीन्स पब्लिशिंग। ई कॉमर्स, देखिए ई वर्ड जो भी होता है आपका इस टाइप का, ई कॉमर्स, ई मेल, तो ई जोन, सब सबका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ई आपको हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एंड कॉमर्स अपने आप में फुल एक वर्ड्स है, वर्ड है, तो ई कॉमर्स हो गया। उसी तरह ई मेल मीन्स हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल, एंड इनैक मीन्स हो गया ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटेड, एंड आपका ए फॉर एंड, एंड सी फॉर कंप्यूटर। तो हो गया इनैक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। उस तरह फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन मीन्स आपका हो गया एफ ओ आर फर्स्ट जो मिलाकर फार्मूला का आपका हो गया, अनट्रान टी ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, तो फोटोन निकल हो गया फार्मूला ट्रांसलेशन। देन है आपका फैक्स, फैक्स भी एक्रोनिम है आपका, फार अवे जीरोक्स मीन्स एक जगह का जीरोक्स, एक जगह के डॉक्यूमेंट का जीरोक्स आपका दूसरे जगह पहुंच जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में फार अवे जीरोक्स बोला जाता है। और फैक्स एक एक्रोनिम है जो कि एक अलग शब्द बनता है। फ्लॉप्स, फ्लॉप्स हो गया आपका फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, एफ एल मीन्स फ्लोटिंग, ओ मीन्स ऑपरेटिंग ऑपरेशन, पी फॉर पर एंड एस फॉर सेकेंड्स। उसके बाद आपका आता है एच एल एल, एल लास्ट में है, समझ जाइए कि लैंग्वेज है। तो एच हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, एंड एस टी एम एल हो गया हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेज, एंड एच टी एम एल हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IBM, IBM एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
नेक्स्ट है आईसी। आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आई फॉर इंटीग्रेटेड एंड सी फॉर सर्किट। नेक्स्ट है आईएसएच, आई मीन्स इंफॉर्मेशन, एस मीन्स सुपर एंड एच मीन्स हाईवे। आईएसएच का फुल फॉर्म हो गया इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। लैन, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एल फॉर लोकल, ए फॉर एरिया एंड एन फॉर नेटवर्क। लैन इक्वल टू लोकल एरिया नेटवर्क। एल डी यू, एल फॉर लिक्विड, डी फॉर डिस्प्ले एंड यू फॉर यूनिट। तो एल डी यू इक्वल टू लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। लिस्ट, लिस्ट में एल आई जो हो गया आपका लिस्ट हो गया, एल आई एस टी जो हो गया उसमें एल आई एस हो गया लिस्ट, एंड पी फॉर प्रोसेसिंग। तो लिस्ट प्रोसेसिंग का शॉर्ट फॉर्म हो गया लिस्ट। नेक्स्ट देखिए एल एल एल, एल 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 हो गया आपका ट्रिपल एल मीन्स लॉ लेवल लैंग्वेज। तो ट्रिपल एल इक्वल टू लॉ लेवल लैंग्वेज। एम आई सी आर, एम आई सी आर के बारे में ये आपका बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंक में बहुत बार पूछा जा। एम आई सी आर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एम फॉर मैग्नेटिक, आई फॉर इंक, सी फॉर कैरेक्टर एंड आर फॉर रीडर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका अदर एग्जामिनेशन में तो आता है, जिसे एक्सेप्ट बैंकिंग के अलावा अदर एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में ये स्पेशली हर बार पूछा जाता है। एम आई सी आर होता है, एम आई सी आर के बारे में बैंकिंग एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा आपको एन ई एफ टी के बारे में पूछा जाता है, आर टी जी एस के बारे में पूछा जाता है। ये हो गया आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो गया, और ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो ये दोनों बार, और एक हो गया एम आई सी आर, ये तीन जो हैं आपके बैंक के एग्जाम में पूछा जाने वाला जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। आगे देखेंगे एम आई पी एस, एम आई पी एस होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एम आई एम पर मिलियन, और आई हो गया इंस्ट्रक्शन, पी पर और एस पर सेकेंड, तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एम आई पी एस। फिर हो गया आपका मॉप्स, एम ओ पी एस, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। एम आई पी एस और एम ओ पी एस में सिर्फ आई और ओ का डिफरेंस होता है। इसको याद कर लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन हो गया आई फॉर यहाँ पर, और ओ फॉर ऑपरेशन हो गया। बाकी आगे पीछे आपका देखिए मिलियंस पर सेकेंड ही एडेड है, तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एम आई पी एस एंड मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड मॉप्स हो गया। मॉडम, मॉडम जो जनरली हम लोग कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो मॉडम हो गया, मॉडम का एम ओ डी हो गया, और फिर अब एम ओ हो गया, और डी मॉड्यूलेटर का डी ई एम हो गया, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इक्वल टू मॉडम। निकनेट हो गया आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, तो हो गया एन आई हो गया आपका नेशनल इंफॉर्मेशन एंड सेंटर, और नेटवर्क मिलाकर के सी फॉर सेंटर हो गया, और एन ई टू ये आपका नेटवर्क का हो गया। तो एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर सेंटर और एन ई टी नेटवर्क। ओ एम आर बैंकिंग में और अदर एग्जामिनेशन में ये भी सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो गया। ओ एम आर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो जो हम लोग एग्जामिनेशन में जनरली जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके आंसर के लिए कि आप लोगों को दिखी होगी ऑप्टिकल मार्क रीडर दिए जाते हैं, जिसमें है कि आपको गोल गोल आपको नंबर दिए रहते हैं, नंबर दिए रहते हैं आपको, आपको उसके ऑप्शन को आप लोग उसको ओवल से कलर करते हैं। इसकी जो कॉपी जो चेक होती है ओएमआर से चेक होती है, जो कि ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, और वो आपका उसी से आंसर आइडेंटिफाई करता है कि कितना आपका किस नंबर का है, और फिर किस नंबर को कितना आपको ओवल मिला है, और कितने उसमें सही हुए हैं। पी सी डॉस, पी सी हो गया पर्सनल कंप्यूटर, एंड डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले भी आप लोगों ने देखा अभी तक। तो जस्ट थोड़ा देर पहले आपने डॉस के बारे में पढ़ा था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड पी सी हो गया पर्सनल कंप्यूटर। प्रॉम, प्रॉम हो गया आपका प्रोग्रामेबल देन रीड ओनली मेमोरी। रोम हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी, और रैम हो जाता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम और रोम के बारे में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन को याद रखिए, प्रॉम बनता है आपका पी फॉर प्रोग्रामेबल, एंड आर ओ एम हो गया रीड ओनली मेमोरी। फिर देन आपको देखिए रैम है, रैम हो जाता है आपका रैम फॉर आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस एंड एम फॉर मेमोरी। तो रैम इक्वल टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन देखिए रोम है, रोम इक्वल टू रीड ओनली मेमोरी,
यहाँ ए और ओ का डिफरेंस है केवल, सॉरी आपका में एम एम एक इस दोनों में कॉमन है, बाकी आपका आर और ए यहाँ पर अलग हो जाता है। आर ए हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में, और आर ओ जो रीड ओनली मेमोरी रोम में। नेक्स्ट देखिए आर पी जी, आर फॉर रिपोर्ट, पी फॉर प्रोग्राम, जी फॉर जनरेटर। आर पी जी इक्वल टू रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट देखिए स्नोबॉल, स्नोबॉल में आपका एस फॉर स्ट्रिंग, ओ आपका एस एन जो हो गया आपका स्ट्रिंग हो गया, ओ फॉर ओरिएंटेड, फिर आपका जो सिंबॉलिक और लैंग्वेज। तो इसमें आपको जो देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जो इसमें स्नो आपका जो और बी ओ जो है यहाँ से आपका स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक है जो वहाँ तक आता है, देन आपका जो लैंग्वेज है वो अलग रह जाता है। तो इसमें अलग अलग वर्ड जो इस्तेमाल हुए हैं, देखिए यहाँ पर आपका एस इसका इस्तेमाल कर दिया गया, एन यहाँ इस्तेमाल किया गया, और इसको इसको एक बार बस आपको याद करने की आवश्यकता है, याद हो जाएगा। स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, तो ये हो गया स्नोबॉल। ये जनरली अक्सर ऐसा अक्सर एक्रोनिम बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा अगर इसको शॉर्ट फॉर्म इसका हो जाएगा एस ओ एस एल, बट इसको कभी कभी होता है कि एक्रोनिम बनाने के लिए लोग इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर देखिए वीडियो, वी डी यू इक्वल टू क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो वी फॉर वीडियो, डी फॉर डिस्प्ले, यू फॉर यूनिट। वी एल एस आई, तो वी फॉर एपेरी, एल फॉर लार्ज, एस फॉर स्केल एंड आई फॉर इंटीग्रेशन। तो वी एल एस आई इक्वल टू वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन हो गया वैन, तो वैन जो होता है वो ये आपका लैन का उल्टा होता है, लैन होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो एल फॉर एल ए एन में आपका हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, एंड वैन हो गया आपका डब्ल्यू फॉर वाइड, ए फॉर एरिया, एंड एन फॉर नेटवर्क। देन ये सबसे ज़्यादा पूछने आने वाला क्वेश्चन, ये आपको स्टेट पीसीएस हो गया, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्जाम पूछा जाता है, डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म बताइए। तो ये होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस प्रकार से जो ये जो क्वेश्चन है सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि एकदम बिल्कुल आते ही आते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। तो क्योंकि जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है वो बेसिक जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी है या नहीं, इसी के टेस्ट के लिए ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपका मैं अभी अगर आपने जो भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो इस वीडियो को कम से कम एक बार और कम एक से दो बार जरूर देखिए, ताकि आपको याद हो जाए, आपको बिना लिखे ही ये याद हो जाएगा, और बिना आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको वीडियो को दो बार देखने की आवश्यकता है, और पूरा पूरा देखिए, एंड तक देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ये आपका लूसेंट जीके में कंप्यूटर का चैप्टर खत्म हो गया, आगे के चैप्टर में हम लोग किसी अदर सब्जेक्ट के साथ पढ़ेंगे। आपको एंशिएंट हिस्ट्री की ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसको देखिए, और अदर वीडियोस अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो अवेलेबल जल्दी हो जाएंगे। तो आप जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जरूर मिल आपको हमेशा मिलते रहेगी। और मेरे वीडियोस पे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और शेयर इसको जरूर शेयर भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।